हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पराठा की रेसिपी, जो कि बिना मेहनत से और इजी तरीके से ये बन जाएगा। आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं, टिफिन के लिए, या फिर आप सुबह के चाय के लिए, शाम के चाय के लिए, या फिर लंच डिनर, आप कभी भी ये पराठा को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही मजे की क्रिस्पी पराठा बनेगा। चले फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके वीडियो को कंटिन्यू फुल वॉच करें और रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं या फिर आटा मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चुटकी भर नमक और 1 चाय की चम्मच चीनी डाल देंगे, ताकि हमारी पराठा खाने में टेस्टी लगे और एकदम बिल्कुल फीका ना लगे। 2 चाय की चम्मच यहाँ पर तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद इसको आटा में हमने अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हम आटे में मिक्स कर लेंगे। आटा जब हमारी अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगा, जब आटा को आप मुट्ठी करेंगे, तो अगर ये मुट्ठी इस तरीके से बन जाए तो समझ जाइए अच्छे तरह से हमारी तेल यहाँ पर मिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। स्मूथ धीरे धीरे पानी को डालेंगे। ये जो डो हमने तैयार करेंगे बिल्कुल ना लूज करेंगे ना टाइट करेंगे, एकदम सेमी डो रखना है, ताकि तभी हमारी जो पराठा है क्रिस्पी बनेगा और पराठा हमारी बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े की क्रिस्पी बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल के, पानी डाल के यहाँ पर हमने डो को तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी पराठा है। आप इसे झटपट बच्चों को भी बना के दे सकते हैं टिफिन के लिए, क्योंकि हमने गाजर और आलू डाल के बनाएंगे तो हमारी जो पराठा है ना हेल्दी भी बनेगा साथ में। आप चाहे तो यहाँ पर मैदा अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो गेहूं के आटा से भी आप ये पराठा बना सकते हैं। तो डो देख सकते हैं हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, एकदम बहुत ही स्मूथ सा हमने यहाँ पर डो तैयार कर लिए हैं। और अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे, ताकि हमारी जो आटा है सूखे ना, ड्राई ना हो जाए और बाद में बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से तेल लगाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको साइड में रख देते हैं। तब तक के लिए यहाँ पर हम बाकी की तैयारी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक पैन में गरम कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हम तेल। आप कौन सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सरसों का तेल खाते हैं, मैं तो यही इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर 1/2 चाय की चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरा जैसे हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा, 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे। थोड़ा सा प्याजों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मिर्ची इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप अपने तीखा के हिसाब से यहाँ पर हरी मिर्ची को इस्तेमाल करें। अभी हरी मिर्ची और प्याज को जो है ना, हमें थोड़ा सा भून लेना है, इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए, इस तरीके से इसको भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज और हरी मिर्ची जो है ना अच्छी तरह से ये भून चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पर डाल देना है गाजर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के गाजर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, बारीक वाली से ग्रेट करके लिया है। और गाजर में हम इसको डाल देने के बाद गाजर को अच्छी तरह से पहले भुनाई कर लेना है, अच्छी तरह से गाजर का जो कच्चापन एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से ये भून जाए। इस तरीके से देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। जब ये हमारी गाजर भून जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही में डाल देंगे यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक और साथ में डालेंगे यहाँ पर 1 चाय की चम्मच मैगी मसाला। ये मैगी मसाला ज़रूर डालिए। अगर आपके पास नहीं है तो पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी। इसी से बहुत ही टेस्टी हमारी ये बनेगा, नहीं तो फिर आप गरम मसाला भी यहाँ पर डाल सकते हैं। बस यही सिंपल सी मसाला जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है 2 बॉयल्ड आलू। आलू मैंने यहाँ पर बॉयल करके आलू को मैंने ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद फिर इसे हम डाल देंगे। और आप चाहे तो आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या फिर आलू को पहले से ही तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके डाल सकते हैं। तो मैं चम्मच की मदद से इसी तरह से इसको मैश भी करते जाऊंगी और मिक्स भी, और साथ में ये हमारी भुनाई भी हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम जो है ना यहाँ पर एकदम लो है, लो फ्लेम पे ही मैंने इस तरीके से इसको मैश भी कर लिया, मिक्स भी कर लिया गाजर के साथ, और अच्छी तरह से ये भुनाई भी हो गया है। तो थोड़ी देर और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ी देर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे। जब इस तरीके से ये भून जाएगा ना, एकदम बहुत ही स्मूथ सा हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और हरा धनिया को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे।
ये जो आलू की पराठा हम बना रहे हैं ना, और जो स्टफिंग ये बनेगी ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनेगी। गाजर आलू की ये स्टफिंग ज़रूर आप ट्राई करना फ्रेंड, बच्चों को ज़रूर बना के देना, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। बच्चों को अगर आप टिफ़िन देंगे तो आपका जो टिफ़िन है ना बिल्कुल वापस आने वाला नहीं है, बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। तो अच्छी तरह से हमने ये मिक्स कर लिया, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, साइड में रख देते हैं। तब तक के लिए यहाँ पर हम आटा देख लेंगे। तो हमारी आटा जो है ना यहाँ पर अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है, देख सकते हैं मुलायम हो चुका है। और इसको हम थोड़ी देर और भी इस तरीके से मसल लेंगे हाथों की मदद से। और इसमें छोटा छोटा हमें लोइया तैयार कर लेना है, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल से छोटी छोटी, इसी तरह से हमें रोटी की जैसा इसका लोइया तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसी तरह से छोटा छोटा लोइया तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें सभी लोइया को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सब लोइया मैंने एक साथ तैयार कर लिया, इसे अभी हम ढक के रख देंगे ताकि हमारे आटा जो है ड्राई ना हो। तो एक एक लेके इसी तरह से हम बेल के तैयार कर लेंगे। बाकी का मैंने ढक के रख दिया है, अगर आप खुला रखेंगे तो हवा लग के आपका ये जो है एकदम बहुत ही ड्राई हो जाएगा। इसके लिए आपको कपड़े से कवर कर दे या फिर प्लेट से कवर करके रखें। तो यहाँ पर हमने एक लोया ले लेंगे और लेके इसको हम पराठा बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं इसी तरह से बेलना है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने सूखा आटा लगा के नहीं बेलेंगे, और ये जो हम पराठा बेलेंगे एकदम लंबी साइज में बेलेंगे, गोल हमें नहीं बेलना है क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे। तो सूखा आटा मैंने नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के इसको मैंने बेल लिया है। तो देख सकते हैं लंबे साइज में ये बेल चुका है और पतले साइज में मैंने इसको बेल के तैयार किया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर 2 चाय के चम्मच के करीब स्टफिंग आलू की रख देंगे। एक साइड में हमें रखना है रोटी के, और इस तरीके से हमें फैला देना है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से स्टफिंग ज़्यादा कम बेस भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चाय के चम्मच भरा है। और फिर उसके बाद किनारे से एक साइड में हम पानी लगा देंगे ताकि जो हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका जो मुँह है अच्छी तरह से चिपक जाए और आलू की स्टफिंग हमारी बाहर ना आए। तो देखिए इसी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और साइड का जो है इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे, और फिर ये हमारी पराठा बनके रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये पराठा बनाने में झंझट नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। मैं ये पराठा जो है मैदे से बना के तैयार किया है। आप चाहे तो गेहूँ के आटा से भी बना सकते हैं और आटा मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारे पराठा जो है हमारी तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने सभी पराठा को बेल के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे पराठे रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिया है, अभी चलते हैं हम इसको सेक लेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें फ्रेंड। वीडियो अगर देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए अभी हम सेकते हैं पराठा। तो पराठा को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है 2 चाय के चम्मच के करीब, और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फिर पराठा यहाँ पर तवे पे ऐड कर देंगे। तो देखेंगे ये 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हमारी पराठा नीचे से ये हल्का हल्का सेकने लगेगा, फूल जाएगा। उसके बाद हमें इसको साइड चेंज कर देना है। इस तरीके से हमें इसको लो फ्लेम पे ही साइड चेंज करते हुए इसको हमें सेक लेना है पराठे को। इसको एकदम डीप फ्राई नहीं करना है ये पराठा, इस तरीके से हम सेलो फ्राई कर लेंगे। और इसका जो साइड है ना हमें चेंज करते हुए इस तरीके से दबा दबा के चम्मच की मदद से इसको सेक लेना है। तो देखिए हमारी पराठा में बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी पराठा रेडी हो गया है। तो लग रहा है ना कितना खूबसूरत सा हमारी पराठा, कितना मजे की, कितना क्रिस्पी। तो आपको लो फ्लेम पे ही, आपको गैस के फ्लेम को लो करके ही आपको सारे पराठा को सेक लेना है। उसी 2 चाय के चम्मच जो हमने तेल लिया है ना, उसी तेल में ही हमारे 4 पराठा यहाँ पर सेक के रेडी हो जाएगा। दोबारा से मैंने यहाँ पर तेल नहीं डाला है बिल्कुल। इसी तरह से हमें इस पराठे को भी साइड चेंज करते हुए हमें इसको सेक लेना है। गैस की फ्लेम को लो रख के ही आपको सेकना है, इस बात के आप ध्यान रखिए। अगर आप गैस की फ्लेम को तेज आंच पे रख के इसको सेकेंगे तो आपके पराठे ऊपर से बहुत ही जल्दी कलर आ जाएगा और आटा जो है आपके कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है, इस तरीके से दबा दबा के, ताकि इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए और हमारे पराठा अच्छी तरह से सेक भी जाए। तो ये भी हमारी पराठा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से सारे पराठा जो है मैंने सेक के तैयार कर लिया है।
तो लीजिए, हमारे आलू गाजर की यम्मी टेस्टी क्रिस्पी पराठा बनके रेडी हो चुका है। लग रहा है ना कितना खूबसूरत, कितना यम्मी सी हमारी पराठा। अगर आप इसे बच्चों को टिफिन के लिए देंगे, बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। बड़े बच्चे सभी को ये पराठा पसंद आएगा। आप इसे लंच के लिए भी बना सकते हैं, डिनर, ब्रेकफास्ट, आप इसे शाम के चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, गर्मा गर्म पराठा ठंडी के मौसम में। तो ज़रूर ये पराठा ट्राई करें, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। और न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर ले। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल करने से हमारी न्यू अपलोड जो है आप लोग को मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।